हे गाइस वेलकम बैक। थोड़ा धीरे बोलना होगा यार। हे गाइस गुड मॉर्निंग। और दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ कुर्ला फिश मार्केट। आपको बताया था यार मैंने कल के वीडियो कि हमें कुर्ला जाना है, क्योंकि हमारे सेटअप में हमें प्यारी सी गप्पी फिश ऐड करनी है। ठीक है, तो यार इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि भाई हमें जाना है और गप्पी फिश लानी है। एक अलग ही तरह का एक एक्साइटमेंट होती है यार हमें। और भाई मुझे तो एक भाई साहब मतलब होता है यार। अभी मैं बैग को वगैरह पैक करता हूँ और अभी हमें निकलना है जल्दी। और मैं ना दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ हमारी एग्जिट पे, तो यार थोड़ा हमें अच्छे सा पैकिंग वगैरह करना है। और मेरे दोस्त वगैरह भी है, तो इसकी वजह से कोई टेंशन वगैरह नहीं है। पैकिंग करके आपको मिलता हूँ मैं। तो मेरी अभी पैकेजिंग वगैरह सब हो गई है, तो अभी हमें निकलना है। दोस्तों अभी मैं निकल रहा हूँ हमारी एफजी पे। एफजी तो मैंने अभी स्टार्ट तो कर दिए, तो यार पेट्रोल वगैरह भी चेक कर लेता हूँ मैं। पेट्रोल वगैरह भी सही है, तो यार सब धूल जमी हो यार। वो मैंने गाड़ी को ये नहीं किया यार। चलो भाई निकल जा। अभी मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुका हूँ और हमारी बाइक भी अभी रेडी है, तो चलो भाई अभी निकलते हैं। थोड़ी धूल वगैरह जमी हुई गाड़ी पे, कोई दिक्कत नहीं, बट हमें ये गेट लग गया, गेट रह गया भाई, गेट बंद कर देते हैं। ओके, थोड़ा डर भी लग रहा है यार, क्योंकि अकेला होना यार। 3 बजे, ओए सॉरी नहीं यार, अभी तो 2 ही बजे यार, 2:23। मुझे लगा कि 3:30 हो गए यार। तो ठीक है, तो अभी आपको मिलता हूँ सीधा जहाँ पे ब्रेक लूँगा वहाँ पे। अभी हमारे घर से कुर्ला मार्केट लगभग 300 किलोमीटर प्लस है। ठीक है, मतलब 305 कुछ है भाई। तो अभी हमें जाने में तो कंप्लीट 6 से 7 घंटे तो लग जाएंगे यार। ठीक है, तो मैं आगे जाकर मेरे फ्रेंड की बुलेट वगैरह भी लूँगा, मतलब जैसे अभी मूड पे यार। इस पे ज़्यादा थका नहीं तो भाई हम दूसरी बाइक वगैरह चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं भाई। हाँ, हमें कितना क्या किलोमीटर में, अभी 10 किलोमीटर आ गया हूँ, तो मैंने गाड़ी रुका ली, तो मैं देखना चाहता था भाई अभी कितना किलोमीटर हुआ है। तो अभी हमारा 1186 किलोमीटर हमारी गाड़ी अब तक चल चुकी है, मतलब 10 किलोमीटर से और ऐड होगा। मतलब अभी हम यहाँ से किलोमीटर लगा रहे हैं भाई, और रिटर्न आने का भाई कितना होंगे फिर हम देखेंगे। ठीक है, तो भाई चलो चलते हैं। दोस्तों अभी मैं कंप्लीट 100 किलोमीटर चल के आया, 100 किलोमीटर हमारी बाइक आ गई। तो यार मैं रुक गया यहाँ का जो व्यू है ना यार, वो एंजॉय करने के लिए। यार लाइट्स ऑफ करना होगा यार, लाइट्स इंजन ऑन। ओके अभी ठीक है। तो यार यहाँ का व्यू और यहाँ की सुबह की ताज़ी हवाएं, एक अलग ही हाय ज़बरदस्त है यार। इतना अच्छा लग रहा है ना यार यहाँ पे, और वहाँ पे भी थोड़ा बहुत, मतलब ये जो है ना ये घाट है, घाट का रास्ता है, तो घाट में पार कर चुका हूँ। अभी घाट के ऊपर हूँ मैं, मतलब घाट के नीचे के छोर पे हूँ, ऐसे ऊपर भी नहीं हूँ। तो यार देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। तो ठीक है, अभी मैं कंप्लीट 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा चल के आया, तो ये मेरा पहला ब्रेक था। ब्रेक नहीं था मतलब, 2 मिनट में व्यू एंजॉय करने के लिए रुका था। तो चलो ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। तो अभी कंप्लीट 180 किलोमीटर में आ चुका हूँ, और यहाँ का आप व्यू देख सकते हो यार। जबरदस्त व्यू है। वेलकम बैक। और दोस्तों मैं अभी पहुंच गया कुर्ला फिश मार्केट, और अभी सबसे पहले भाई मैं विजिट करने आया हमारे प्यारे, सबके प्यारे अरिफ भाई के शॉप पे। ठीक है,
तो ये है भाई परी एक्वेरियम 2, तू है ना, ये पहला वाला उधर है। हाँ तो यार अभी यहाँ से हमें कौन सी फिश वगैरह लेनी है, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन स्टॉक देखते हैं। तो भाई अभी स्टॉक देखेंगे पूरा फिश का, अभी भाई के पास क्या क्या अवेलेबल है, जो हमें पसंद आया हम वो ले लेंगे, ठीक है। तो अभी भाई आप मुझे क्या करो, सब फिशेज का आप नाम बताओ, ठीक है, एक एक करके, एक एक टैंक के, आपके पास कितना स्टॉक वगैरह अवेलेबल है अभी आज के डेट में? ओके ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइटर्स वगैरह पेटा से स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, ये यहाँ पे फीमेल्स है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी फीमेल्स है। फीमेल्स से यार मेरा तो मन आ गया यार इस पे, देखो यार ये थोड़ी ये कौन सी है, फुल मून। अच्छा अच्छा ओके, और ये बाकी कौन से है? ये सब प्लांटेड टैंक है, यहाँ पे बोस्मानिया वगैरह, फ्लेमेंटोस वगैरह, सब वैरायटी मिक्स है, इसमें से सेलिंग नहीं करता। अच्छा 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 ओके, और वाओ ये कौन से है? ये टाइगर पैरेट है। अच्छा ये टाइगर पैरेट है, ओके टाइगर पैरेट बोल रहे। अच्छा अच्छा ओके, इसके अलावा यहाँ पे अफ्रीकन चिकलेट्स, अफ्रीकन चिकलेट्स ओके वाओ, और इसमें एक जायड मुरा में है, अल्बिनो रेड आइज ओके, और ऊपर आरटीजी ओके 12 इंच प्लस साइज है। अच्छा अच्छा कलर वाला ओके, उसके साइड में सिल्वर 1 फीट ओके, 1 फीट का है कंप्लीट है, सिल्वर और 1 फीट का है, और यहाँ पे 8 इंच के साइज में सिल्वर और वाला ओके, गोल्डन पर्ल ओके, वो गोल्डन पर्ल गोल्ड वाला नीचे। अच्छा अच्छा ये वाले ओके, बालाशार लेपोनियस ओके, ऑस्कर, वाह ऑस्कर का कलर एक नंबर है यार, ये सब इम्पोर्टेड लग रहे हैं मुझे, इम्पोर्टेड ऑस्कर है ओके, और यहाँ पे ओके फुल एक्टिव है, फुल एक्टिव है, छोटे स्कैट स्कैट भी, हाँ स्कैट फिश भी उसमें, टाइगर ऑस्कर स्मॉल साइज, मोन एंजल छोटा साइज ओके, और बड़े साइज के स्कैट फिश ओके, और अभी इधर देखते हैं इधर वाला क्या क्या है, इधर ओ वाह है एलिगेटर गार के भी, हाँ एलिगेटर गार, एलिगेटर गार 7 से 8 इंच छोटे साइज में, यहाँ पे हाई बैक बड़ा साइज का 12 इंच प्लस, 12 इंच प्लस बड़े साइज का। सुपर एट चाहिए ऑस्कर ओके, और यहाँ पे ग्रे जायंट गुरामी, ग्रे कलर में जायंट गुरामी है, मैंने पहली बार देखा उसको, रेड टेल कैटफिश। अच्छा अच्छा रेड टेल भी उसके पीछे, यहाँ पे भी ऑस्कर ओके, इसमें कॉपर रेड ऑस्कर, और यहाँ पे बाजू में टाइगर ऑस्कर, इसमें मोज़ेक भी मिक्स है, मोज़ेक मींस पैटर्न वाले जो रहते हैं। अच्छा पैटर्न वाले मतलब मोज़ेक है ओके, टाइगर में थोड़ा अलग पैटर्न है ओके ओके, ये टाइगर, ये टाइगर ऑस्कर, इसका पैटर्न देख सकते हो यार कलरफुल, मतलब एक अलग ही वैरायटी है। यहाँ पे नीचे ये कौन सी, ये ब्रिस्टल नोज़ है। अच्छा अच्छा ये शक्कर फिश जैसी, हाँ, मतलब ये ब्रिस्टल नोज़ है, वेल्टेल ब्रिस्टल नोज़। अच्छा यहाँ पे गप्पीज ओके, यहाँ पे ये कौन से गप्पीज है, यहाँ पे ये टक्सिडो शायद, हाँ टक्सिडो लग रहे हैं मुझे, मेरे पास, हाँ मेरे पास भी ये जंबो साइज ब्रीडिंग स्टॉक है, हाँ हाँ फुल साइज में ओके, यहाँ पे जंबो मॉलीज मोंटेल है और जंबो गोल्डन कोई एंजल ओके, और नीचे नीचे भी ये कौन सा, यहाँ पे कॉरी की कलेक्शन है ओके, कॉरी के अंदर ग्रीन कॉरी, स्टर्बी, अल्बिनो कॉरी, जूरी कॉरी मिक्स। अच्छा अच्छा ये फिलामेंटोस बाब है, ये आपको प्लांटेड में डिस्कस में, हाँ आप इसको रख सकते हो। यहाँ पे शार्क्स बिगर साइज में, अल्बिनो रेड आइज और टिम्पोल बड़ी साइज के ओके, यहाँ पे बिग साइज में वीडियोज, कलर वीडियोज ओके, ये कौन से,
डमिनो स्टेट का ओके कूलिंग फिश है। अच्छा अच्छा गुरामीज किसी का प्लांटेड टैंक वगैरह उसके लिए बहुत अच्छी है, कूलिंग फिश बेस्ट है, ज्यादा एक्टिव है। हां यहां पे गुरामीज है, ड्रॉप गुरामी रिली गुरामी, हां दो टाइप की गुरामी है, दो टाइप की गुरामी। यहां पे रेड शिवम हां हां एंड अल्बिनो जैन गुरामी हां और यहां पे रॉटी शिवम। ओके ओके प्राइजेस नहीं बोल रहा इसमें। हाँ ठीक है ठीक है प्राइजेस ठीक है प्राइजेस आप दूसरे आपके चैनल पे बोलते हो ना आप हाँ पर्सनल चैनल पे आप सर्च कर सकते हो अरिफ भाई। प्राइस कैसा रहता है हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। हाँ बराबर है प्राइस अप एंड डाउन होता है साइज के हिसाब से प्राइस होता है। हाँ 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 जैसे अगर अपने 50 रुपए जोड़ी भी होती है मच्छी हाँ हाँ 60 रुपए कभी 80 रुपए भी आती है। जैसे अगर हम प्राइस बोलेंगे ना तो कस्टमर क्या करता है 6 महीने पुराने वीडियो भी देखते बोलेगा आपने ये रेट बोला था। हाँ यार भाई मेरे 4-4 साल पुराने वीडियो है ना इसलिए मैं सर अपने फ्लोरन बोला 50 रुपीज़ 4 साल पहले अपने 50 रुपए का फ्लोरन दिया था हाफ इंच का था और उन लोग को अभी तक बहुत से नए नए रहते देख लिए कॉल कर देते सर आपने तो 50 बोला तो कैसा हम उनको देंगे 50 रुपए में वो चीज तो अपने पॉसिबल नहीं रहता है। इसलिए मछली का प्राइस कभी भी ऊपर नीचे होता है बराबर कम भी होता है ज्यादा भी होता है कम ज्यादा होता है। ओके यहाँ पर प्लेटिनम एंजल और वेंटल मार्बल एंजल अच्छा फुल एक्टिव है। यहाँ पे इसके अंदर 3-4 वैरायटी के मिक्स है, इसके अंदर रेड ब्लैक है मार्बल है हाँ हाँ ब्लू एंजल है कई एंजल है मिक्स में इसके अंदर। ओके यहाँ पे एल्बिनो कार्डिनल है। ओके और इसमें मैं एक देखा ये नीचे क्या है ये विप्टल विप्टल कैटफिश है। अच्छा और वगैरह जल्दी मिलती नहीं है बहुत ये जो वाइट वाला आप जो बता रहे हैं ये हाफ बीक है। ओके और ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है ये आपके देखेंगे जहाँ पे कीड़ा लगा रखा हुआ है खाने के लिए वो विप्टेल है बड़े साइज का प्लांटेड टैंक के लिए बेस्ट है ये। अच्छा यहाँ पे ज़ेब्रा से हाँ ऐसा ही यहाँ पे ज़ेब्रा है और यहाँ पे एम्परर टेट्रा है। ओके नीचे और नीचे यहाँ पे एलिगेटर है चाइनीज एलिगेटर। अच्छा अच्छा प्लांटेड टैंक के लिए प्लांटेड टैंक के लिए गोल्डन गोल्डन है गोल्डन। अच्छा अच्छा और ये यहाँ पे KML फ्लोहन है हाँ हाँ यहाँ पे SRD बेबीज है। ओके ये SRD के बेबीज है फ्लोरन के। ओके छोटे साइज में और ये KML ओके ओके सही है। तो भाई अभी हम देखते हैं हमें कौन सा फिश वगैरह भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी गर्मी बहुत होती है यार मुंबई में तो यार मैं अभी देखता हूँ मुझे कौन सी फिश वगैरह अच्छी लगती है तो हम वो खरीद लेंगे ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे और अलग अलग वैरायटीज़ के जो डेकोरेशन हमारे एक्वेरियम के लिए आते हैं भाई डेकोरेशन के लिए जो आइटम आते हैं भाई बहुत सारे मैंने यहाँ पे देखे जो कि अलग अलग वैरायटीज़ में और अलग अलग शेप्स में थे जो कि यहाँ पे ग्रुट था यहाँ पे एक जहाज थी बड़ी और यहाँ पे बहुत अलग अलग वैरायटीज़ के बहुत अच्छे हमारे एक्वेरियम के लिए डेकोरेशन के लिए बहुत सारे ये चीज़ें है भाई ठीक है अलग अलग है भाई सब के सब मतलब देखो यार यहाँ पे कुछ ऐसा पूल टाइप बना है और मतलब देख सकते हो यार कितना खूबसूरत है। तो भाई मुझे जो अच्छा लगा मैं वो ले लूँगा बट अभी तो मैं बैग लेके आया हूँ बाइक पे आया हूँ तो भाई मुझे जितना पॉसिबल होगा मैं उतना ही ले लूँगा। और हमें यहाँ पे मैं जेली फिश की खोज में आया था हमें जेली फिश चाहिए था बट मुझे यहाँ पे नहीं मिला तो देखते हैं भाई। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे और एक शॉप देखा और वहाँ पे मैंने ढेर सारी अलग अलग वैरायटीज़ की मैंने गप्पी फिश देखी जो कि यहाँ पे देखो यार ये टक्सुडे गप्पी फिश है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार ये। और यहाँ पे है भाई ये कौन सी यार मुझे नहीं पता बट भाई बोले कि ये स्नैक स्किन कुछ गप्पी बोले यार उसका ऐसा नाम था बट आप मुझे सजेस्ट कर देना यार। और यहाँ पे है भाई एंजल फिश और कहा कि हाँ यार ये भाई असली चीज़ जो कि है भाई डम्बोयर गप्पी फिश जो कि यहाँ पे सिर्फ 2 पेयर अवेलेबल है बाकी सब फीमेल से और 2 मेल और 2 फीमेल यहाँ से हम ले लेंगे तो फाइन तो ठीक है। तो भाई इसमें से मैंने चूज़ कर लिए भाई ऑप्शन के लिए मैं ज़्यादा भी नहीं यार। और यहाँ पे भाई बहुत ही ज़्यादा रेयर गप्पी फिश जो कि ब्लू कलर में है बट यार मेरा तो बिल्कुल मतलब अभी इतने सारे गप्पी फिश कैसे ले जाएंगे ठीक है ना। मैंने और एक रेड कलर की गप्पी फिश देखी है तो ये देखो यहाँ पे भी और अल्बिनो रेड आइज गप्पी फिश है और कौन सी यार कॉरिडस और तो भी मैंने यहाँ से ले ली है भाई डम्बोयर गप्पी फिश बाकी ये बाद में देखते हैं भाई क्या है क्या है। तो दोस्तों हमने एक डजन ये जो शॉर्ट टेल है ये अभी ले ली है हमारे भाई के पास से तो अभी हम ये पैक कर लेंगे और थोड़ी बहुत कौन सी पसंद आएगी वो भी ले लेंगे। यहाँ पे कलर वीडियो भी बट हमारा सेटअप तो अभी रेडी नहीं है यार इसकी वजह से हम लेके नहीं जा सकते।
तो यहाँ पे हमारी फिशेज दोस्तों अभी पैक हो रही है। सेंटा क्लॉज ही है ना छोटे, रेड एंड व्हाइट वाला सेंटा क्लॉज है। हाँ हाँ ओके। हॉप फुल जो प्लेन है वो टेंजरीन है। अच्छा रेड आइज में, दोनों रेड आइज में है ना। रेड आइज दोनों रेड आइज। ओके मुझे सेंटा क्लॉज दे रहे हो ना? दोनों दे रहे हो, छः छः दे। हाँ ठीक है ठीक है, दोनों छः छः दे देते। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डम्बो एयर की जो फीमेल्स है, मेल फीमेल हमने ले लिए दो पेयर यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे अभी दो मेल अवेलेबल है, इसकी वजह से हम सिर्फ दो पेयर यहाँ पे ले रहे हैं। तो ठीक है अभी मैं इसको पैकिंग कर दूँ फिर आपको मिलता हूँ। तो दोस्तों मैं और एक दूसरे शॉप में आया और मुझे यहाँ पे और एक फ़िश अच्छी लग गई जो कि कॉरिडोर फिश है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई यार। मुझे पिछली बार ही लेना था बट मुझे इस बार अभी अवेलेबल मिल गई, तो भाई मैं ये ले रहा हूँ भाई एक डज़न। तो ठीक है तो भाई इसे अभी पैकिंग करते हैं जल्द से जल्द, और बाकी के बीज भी पैक करने हैं। चलो भाई जल्दी जल्दी। और दोस्तों यहाँ पे भाई अलग अलग वैरायटीज की हमारे भी जब तक पैक हो रही तो आपको मैं दिखा देता हूँ भाई बाकी यहाँ पे कौन कौन सी फिश अवेलेबल है। यहाँ पे देखो यार ये अलग अलग मतलब वैरायटीज है यार ये सब भाई। हालत ना टाइट हो के रखी है भाई क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी ना यहाँ पे, मतलब भाई पसीना पसीना हो गया भाई। देखो यार आपके पास जो प्लांटेड टैंक वगैरह होगा तो भाई ये आपके लिए बहुत ही अच्छी फिश है, और भाई ये सब प्लांटेड टैंक ही दिखाए मैंने पहले। और यहाँ पे है भाई चिल्ड्रेड फिश जो कि बहुत अच्छी होती है यार, हैंड टीम होती है भाई। और देखो यार यहाँ पे मैं प्लांट्स भी देखे, ये प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो फाइनली दोस्तों हमें यहाँ पे रेड कलर की गप्पी फिश मिल गई यार। इनकी क्वालिटी देख सकते हो और कितनी ज़्यादा, इनका कलर देखो यार कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तो भाई मैं अभी ले रहा हूँ यार और इसे अभी जल्द से जल्द पैकिंग करते हैं। तो चलो हाँ 300 किलोमीटर दूर जाना, इसे पैकिंग कर दो मुझे और बड़ा कर दो। हाँ कम्फर्टेबल जाने चाहिए। ऊपर तो दोस्तों अभी हमने सोहेल भाई के दुकान से जो डाफनिया और क्या है वो ब्लडवॉर्म है ना, फ्रोजन ब्लडवॉर्म और फ्रोजन डाफनिया भी ले लिया। तो अभी इसे भी पैक कर देते हैं। चलो तो ये ऐसे पैकिंग होता है और बाकी का मैं आपको घर पे बताऊंगा भाई इसका क्या कैसे क्या करते हैं आगे का। और दोस्तों सोहेल भाई के पास है ना दो बड़ी बड़ी फ्लोरेंस है। ओ भाई साहब ये देखो भाई साइज देख सकते हो भाई इसकी। क्या रे इसका साइज 1 फीट होगा ना? 1 फीट होगा इसका साइज, 1 फीट से थोड़ा कम होगा ना। अच्छा और दोस्तों सेवरम भी बहुत सारे हैं सोहेल भाई के पास। ये देखो भाई फुल्ली एक्टिव है, यहाँ पे ऐड करूँगा तो अभी यहाँ पे आएंगे सब। ये देखो भाई फुल्ली हंटिंग है। और ये कौन सी फिश है? जो फेगस। और यहाँ पे है डिस्कस, ये भी है भाई डिस्कस। तो यहाँ पे भाई के पास कौन सी है? ओए ओ भाई जबरदस्त फीडिंग यार इनके तो खतरनाक अटैकिंग जबरदस्त है। पहली बार देखा भाई मैंने। और ये कौन सी है? कौन सी? अच्छा तो ठीक है यार मेरे दोस्त ने भी यहाँ पे फिश बाउल ले लिया है और दो टर्टल्स लिए और बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज के फिश लिए भाई। एक ही फिश लिया है? हाँ क्या बोल रहे हैं भाई, भाई ने सिर्फ फाइटर फिश लिया है। और अच्छे से ख्याल रखना ठीक है। और
क्या बताओ यार, पहली बार पाल रहा है भाई। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं मिलता हूँ आपको सीधा घर पे। तो फाइनली दोस्तों, मैं अभी घर पे पहुँच चुका हूँ और अभी हमारी बाइक कितना किलोमीटर रन कर चुकी है मैं अभी देखता हूँ। यहाँ पे हमारी पहले 1186 कुछ थी, तो अभी हम काउंट कर लेंगे उसको 1864। ठीक है, अभी मैं काउंट करता हूँ। कंप्लीट 800 किलोमीटर हमारी बाइक चल चुकी है। तो ठीक है, मिलते हैं भाई कल